आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनने जा रही दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर पावर प्लांट के बारे में। यह जो प्लांट है यह खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर निर्मित होगा और इसकी अनुमानित जो लागत है यह है 3,000 करोड़ से भी अधिक रहेगी। इसका जो जल क्षेत्र है, क्योंकि जल पे ही बन रहा है आपका प्लांट, तो 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र पे लगभग ये फैला रहेगा और उत्पादन क्षमता जो रहेगा 600 मेगावाट का रहेगा, जो 2022 और 23 के लिए निर्धारित किया गया है। तो चलिए इस प्लांट के डिटेल देखते हैं, क्या क्या इसकी खास बात है। तो यह प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रहेगा और नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पे बनाया जाएगा। इसकी जो लागत रहेगी 3,000 करोड़ से भी अधिक इसकी लागत रहेगी। और सेकेंड पॉइंट पे गौर करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है आपका, इस तरीके से खंडवा मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जहां पर एक ही जिले में 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। और यह जो उत्पादन होगा कितने माध्यम से, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा, तीनों माध्यम से किया जाएगा। और ऐसा होने वाला खंडवा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बन जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इसमें। सेकेंड पॉइंट आपको इसमें यह ध्यान रखना है, इसका मैं आपको बता दिया हूँ कि 600 मेगावाट का उत्पादन होगा और 2,000 हेक्टेयर पे फैला रहेगा। इसमें अच्छी बात यह भी है कि शुरुआत में ही यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने। इसने बोला कि प्रारंभिक स्तर पे ही यह 400 मेगावाट की बिजली खरीदेगा। ठीक है, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है, यहाँ पे यह सोलर पावर प्लांट रहेगा ये ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर पे तैरेगा। ठीक है, यानी जल के ऊपर ये तैरेगा। और हो सकता है ये जब पावर प्लांट बन जाएगा इससे मध्य प्रदेश में अगले 2 साल में बिजली सस्ती हो जाए, जो अभी थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहले चरण में इसमें 272 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। और इस सोलर प्लांट की खास बात यह है कि पानी के उतार चढ़ाव का इस पर कोई भी असर नहीं होगा, यह सतह पे अपने आप तैरेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि तेज लहरों से भी इनमें कोई इसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और सूरज की किरणों से लगातार बिजली बनती रहेगी। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये हैं हरदीप सिंह नंगे, जो है आपके ऊर्जा मंत्री हैं। और इस समय भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कौन सा है, तो यह है तेलंगाना का रामागुंडम में परिचालित है। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा संचालित है, तो ये एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी इस पावर प्लांट के बारे में। तो इसी तरीके से करंट से अपडेट रहने के लिए आदर्श आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप अभी तक आपने बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो उसमें प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।